गुड आफ्टरनून क्लास 8। हम लोग संधि के अंतर्गत उसका अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पहला प्रश्न किया था, निम्नलिखित शब्दों से के संधि विच्छेद कीजिए। ये मैं करा चुका हूँ, फिर भी जो लोग उस दिन कक्षा में उपस्थित नहीं थे उनके लिए एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा जब मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। हमारा पहला प्रश्न है पावन, इसका संधि विच्छेद करना है। मैं करा चुका हूँ इसलिए इसको पुनः बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। पावन का होगा प जोड़ अन, पावन। ख नंबर है पुरुषोत्तम, उसका संधि विच्छेद होगा पुरुष जोड़ उत्तम। ग नंबर है उड्डयन, उसका संधि विच्छेद होगा उत जोड़ डयन। घ नंबर है तथैव, उसका संधि विच्छेद होगा तथा जोड़ एव। अंग नंबर है ऊपर युक्त, उसका संधि विच्छेद होगा ऊपरी जोड़ उक्त। उसके बाद है च नंबर नवोढ़ा, नव जोड़ उढ़ा। उसके बाद है छ नंबर शुभारंभ, क्या है शुभारंभ, शुभ जोड़ आरंभ, शुभारंभ। ज नंबर में है मनोविज्ञान, मन जोड़ विज्ञान, इसका संधि विच्छेद होगा मन जोड़ विज्ञान। उसके बाद है झ नंबर निर्बल, संधि विच्छेद होगा नि जोड़ बल। यह नंबर है संशोधन, क्या है संशोधन, इसका संधि विच्छेद होगा सम जोड़ शोधन। ट नंबर अहंकार है, क्या है अहंकार। एक मिनट सर को कोई काम है मैं। अगला है अहंकार, उसका संधि विच्छेद क्या बताया था मैंने, अहम जोड़ कार, अहंकार। और अंतिम है ठ नंबर उच्चिष्ट, इसका क्या होगा उत जोड़ शिष्ट। आज हम लोग प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न है निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए, यानी यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है, हमें उसकी संधि करनी है। पहला क्या है क नंबर, क्या दिया हुआ है पो जोड़ अन। आप लोग अपनी किताब में ही वहाँ स्थान है, अभ्यास प्रश्न जहाँ दिया हुआ है वहाँ पर स्थान है, आप लोग पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से बुक में लिख लीजिए या पेन से कॉपी में लिख लीजिए, मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ। पो जोड़ अन क्या होगा इसका पवन, पो जोड़ अन क्या होगा पवन। ख नंबर देखो क्या है दिया हुआ है उत जोड़ चारण, क्या होगा इसका, बिल्कुल सही, कोई बता सकता है क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं उच्चारण, क्या होगा उच्चारण। बहुत अच्छा सोम दत्ता, बिल्कुल सही। संपूर्ण ने भी ठीक लिखा है उच्चारण, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या ग, प्रश्न संख्या ग में है सु दिया हुआ है, हमारा प्रश्न क्या है सु जोड़ उक्ति, क्या होगा सुक्ति। उसके पश्चात देखिए घ नंबर दिया हुआ है
दिया हुआ है मद उन्मत्त, बता सकता है इसका क्या होगा? इसका क्या होगा कोई बता सकता है? एक बार कोशिश कीजिए। मदोन्मत्त क्या होगा? मदोन्मत्त, मदोन्मत्त संयुक्त, मदोन्मत्त यानी मद में उन्मत्त, मदोन्मत्त आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला हमारा है अंग नंबर, अगला दिया हुआ है मन, अगला है हमारा मन जोड़ हर, क्या होगा इसका कोई बता सकता है? एक बार कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, क्या होगा? मनोहर। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से जवाब दे रहे हैं। अगला है, अब मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में सुविधा और नीचे आएगा कि नहीं, तो ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। अगला हमारा नारी छ नंबर, नारी जोड़ ईश्वर, क्या होगा? बिल्कुल नारीश्वर, क्या होगा? नारीश्वर, बिल्कुल सही, सब अच्छे से जवाब दे रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या छह, क्या दिया हुआ है? दीक्षा जोड़ अंत, दीक्षा जोड़ अंत क्या होगा कोई बता सकता है? क्या होगा कोई बता सकता है? चेष्टा करो। दीक्षांत, दीक्षांत क्या होगा? दीक्षांत। अगला है, अगला प्रश्न है ज नंबर, विस्मय जोड़ आदि, क्या दिया हुआ है? विस्मय जोड़ आदि, क्या होगा कोई कोशिश करेगा? बिल्कुल सही, विस्मय आदि, विस्मय आदि क्या होगा? विस्मय आदि, विस्मय जोड़ आदि, विस्मय आदि। अगला है सर, कैन नॉट सी द राइट पोजीशन। अच्छा, इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है, मैं और थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। इतना तो मैंने बोला, तो कम से कम सुन तो लिया आप लोगों ने ना, ठीक है, मैं उसको उधर नहीं जा रहा हूँ। सर बोर्ड का राइट साइड दिख नहीं रहा, ओके ठीक है,
इतना दूर तो दिखाई दे रहा है ना, इतना दूर तो दिखाई दे रहा है ना, संपूर्ण नो वसुंधरा नहीं। अच्छा कितना दूर का दिखाई दे रहा है सर, 3 का m तक, 3 का m तक। यहां तक ये लाइन दिखाई दे रही है विषम तक। अच्छा ये जो लाइन मैंने खींचा यहां तक, ठीक है तो मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। ओके ठीक, ये लिख तो लिया आप लोगों ने ना जो मैंने अभी लिखाया। सर आई कैन सी ओनली सी बीम्स। ओके ठीक, जो मैंने मैंने उच्चारण भी किया एक बार मैं पुनः बोल दे रहा हूं, नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर। नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर। दीक्षा जोड़ अंत, दीक्षांत। क्या होगा दीक्षांत, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, दीक्षांत छोटा छोटा करके मैं लिख दे रहा हूं, नारीश्वर। अभी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सर, लिख लिया। ओके थैंक यू, तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, जब आप लोगों ने लिख लिया है तो ओके। अच्छा एक मिनट, ये कितना यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह, अच्छा ठीक है, यानी इतना दूर में ही हमारा फोकस है। तो हम लोगों ने विस्मय आदि तक किया है, अगला हमारा है प्रश्न संख्या 6। यहां दिया हुआ है स्वजोड़ अधीन, अधीन क्या दिया हुआ है प्रश्न, स्वजोड़ अधीन क्या हो जाएगा इसका, स्वाधीन, स्वाधीन। बहुत अच्छे स्वाधीन सबने बताया, वेरी गुड। अगला हमारा प्रश्न है यम, दिया हुआ है परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी क्या होगा, कोई बता सकता है परीक्षा जोड़ अर्थी क्या होगा। परीक्षार्थी, बहुत अच्छा, परीक्षार्थी क्या होगा, परीक्षार्थी, ठीक। अगला हमारा प्रश्न चले जाते हैं ट नंबर में दिया हुआ है कवि जोड़ ईश्वर, कवि जोड़ ईश्वर क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा कवीश्वर। कवीश्वर क्या होगा, कवीश्वर, बिल्कुल सही, आप लोग जवाब भी अच्छा दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ट के बाद है प्रश्न संख्या ठ, ठ में दिया हुआ है तत् जोड़ मैं,
जा सकता है। तत् जोड़मय का क्या होगा? तद्मय नहीं होगा, तन्मय होगा। क्या होगा? तन्मय। तन्मय, तद्मय नहीं तन्मय। और भी अभी बहुत से प्रश्न हैं। अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। आज इतना ही, हमारा समय भी वैसे ही समाप्त हो चुका है, तो अगली कक्षा में हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। आप लोग भी करके रखिएगा ताकि जब हम लोग इसका अभ्यास करें तो आप लोग आसानी से उत्तर दे सकें। यहाँ तक जो हम लोगों ने प्रश्नोत्तर किया, किसी को कोई दिक्कत कोई असुविधा हो तो कहें। कोई प्रॉब्लम है? ओके, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट है तो लिखो। संपूर्णा एक का चार, एक का चार, प्रश्न संख्या एक का चार तथा है। हाँ सर, ओके। इसका होगा तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव। और कोई दिक्कत? संपूर्णा, कोई और दिक्कत, कोई और समस्या? ओके, नहीं है, ठीक है। किसी और को और कोई समस्या हो तो कहो। तो आज हम लोग यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में जो हमारे प्रश्न बचे हुए हैं उसको, उसका हम लोग अभ्यास करेंगे, उसके प्रश्नोत्तरों को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, और संधि के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं।